आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं इमानी सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरबा में जेल ब्रेक करते एक कैदी की मौत हो गई, वहीं एक कैदी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। इधर जेल ब्रेक की खबर से प्रदेश में हड़कंप मच गया। घटना कोरबा के कटघोरा उपजेल की है। यहां शनिवार की शाम को प्रेयर के बाद दो कैदियों ने जेल ब्रेक की कोशिश में जेल की चाहत दीवारी को फांद दिया। इस घटना में दोनों कैदियों को गंभीर चोटें आई, जिसे जेल पुलिस ने बाद में पकड़ लिया। कैदियों में एक का पैर टूट गया था, जिसे कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जबकि दूसरे कैदी की कमर में चोट आई थी, जिसे मामूली चोट समझकर जेल प्रबंधन ने बैरक में ही रख लिया। देर रात बैरक में रखे गए चोटिल कैदी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल ले जाने के दौरान कैदी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जेल परिसर में प्रार्थना के बाद सभी कैदी बैरक जाने लगे, लेकिन उनमें से दो कैदी अशोक और रमेश ने अपने प्लान के मुताबिक ग्राउंड खाली होने के बाद पाइप के सहारे जेल की दीवार पर चढ़कर नीचे छलांग लगा दी। ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से दोनों गंभीर रूप से चोटिल हो गए। बाद में जेल पुलिस ने दोनों को पकड़कर अशोक अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि रमेश को जेल में डाल दिया। रमेश की कमर में गंभीर चोट आई थी, बाद में इलाज के दौरान रमेश की मौत हो गई। चोरी के आरोप में दोनों दो महीने से जेल में बंद थे। कल रात में 8:30 बजे के आसपास थाने में सूचना प्राप्त हुई कि जेल से दो कैदी भागते वक्त जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गए और एक का पैर टूट गया, जिसका नाम अशोक था, और दूसरे का कमर में चोट था, ऐसे करके जानकारी हुई। तो इस पर थाने में जो है उनके विरुद्ध में धारा 224 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। और उसमें से एक कैदी के विरुद्ध जो है उसको इलाज के दौरान आज मृत्यु होने की सूचना थाने में प्राप्त हुई, तो मर्ग पंजीबद्ध किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNN न्यूज।